नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है जोधपुरी आलू की सब्जी। आपको नाम सुन के शायद ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं ये कैसे बनेगी और इसमें किन चीजों की आवश्यकता होगी और ये बहुत ही मेहनत का काम होने वाला है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप इसे घर पर रखे हुए चंद सामान के साथ एक नॉर्मल आलू की सब्जी को बहुत अच्छा फ्लेवर दे सकते हैं, जिससे बच्चे हो या बड़े हो सभी बहुत पसंद करेंगे। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये सब्जी कैसे लगी। और वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार ढेरों रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो जोधपुरी आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे 3 से 4 उबले हुए आलू। इनको मैंने छील कर तैयार कर लिया है। वैसे तो ये सब्जी छोटे वाले आलूओं की बनती है, पर इस वक्त हमारे पास जो घर पर है हम उसी के साथ ये सब्जी बनाएंगे। अब मैंने एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल आप अपने अनुसार कोई भी डाल सकती हैं। तो इस तेल का हम तब तक गरम करेंगे जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलने लगे, फिर हम इसे स्विच ऑफ कर देंगे। अब हम दोबारा से गैस ऑन करेंगे और धीमी आंच पर हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है हींग, और अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटी चम्मच जीरा, और साथ में इसमें डालूंगी 1/2 छोटी चम्मच सौंफ, और 1/2 छोटी चम्मच तिल। तो ये सफ़ेद वाले तिल हैं, इनको भी मैंने डाल दिया है। अब इन्हें हम 1/2 मिनट तक धीमी आंच पर इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे ताकि तेल में इनकी खुशबू आ जाए अच्छे से। तो 1/2 मिनट हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। अब आलूओं को डालकर हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और इन्हें भी 2 मिनट के लिए हम स्टर फ्राई करेंगे। तो इन्हें भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। आप देखिए ये अच्छे से मसाले में कोट हो चुके हैं और इन पे एक हल्की सी ब्राउनिश परत भी आ गई है। तो इस वक्त हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऐड करी है 1 लाल साबुत मिर्च, और साथ में इसमें डालूंगी मैं हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो लाल मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर आलूओं को फिर से रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इनका कितना अच्छा कलर आ गया है और ये कितने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो इसी वक्त हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकती हैं। और साथ में इसे और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है चाट मसाला और कसूरी मेथी। तो लीजिए, हमारे झटपट से जोधपुरी आलू बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, पूड़ी के साथ, परांठे के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, आपकी जिस चीज़ के साथ इसको खाने की मर्ज़ी है आप इसे खा भी सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये हमारे आलू बनकर तैयार हो चुके हैं, हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे 1 लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।